अरे सुबह के 9 बज गए। अभी यहाँ से निकलता हूँ, ले से हांगले की ओर निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ से तकरीबन हांगले 255 किलोमीटर है, 255 किलोमीटर है। चार घंटा तो लगेगा, क्योंकि रोड तो बिल्कुल सही है, मक्खन की तरह रोड हमने देख लिया था। ठीक है, अभी आपको है ना ये वाला रूम आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रूम हम लोगों ले रखा सस्ता में है ना, नेचर वैली। मैंने आपको रूम नहीं दिखा है ना, आपको रूम दिखाता हूँ। वैसे रूम पूरा गंदा है, लेकिन हमको रूम मिला बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। शायद मैंने बता दिया आपको ना, वैसे तो बोल रहा था 2500 तो डिस्काउंट कर करके हमको मिला 1800 तीन बंदे का। ठीक है, तो मतलब तीन बंदा एक दिन एक पर पर्सन 600 रुपये। ठीक है, ये रूम है, रूम तो बिल्कुल सही है। ये वॉशरूम और ये रूम, एक आदमी नीचे सोया था। टीवी सब कुछ है, बैलकोनी भी है, सही है, मस्त है सब कुछ। वाईफाई तो ज़बरदस्त है, अच्छा है वाईफाई। ठीक है, बैलकोनी भी है, बाहर है ना, बैलकोनी भी है, बढ़िया है। ठीक है, हमको सस्ता मिला, हमने तीन रात स्टे किया था, तीन रात होल किया था। ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं हांगली। लो जी भाई, निकल गया ले से, निकल गया अभी। अरे एक दिन तो बाइक बनाने में चला गया और दूसरा दिन कल पूरा मोनेस्ट्री में चक्कर काट रहा। अरे कितना पानी है भाई, बहुत पानी भर गया भाई, स्विमिंग पूल बन गया भाई। ले का मौसम है, अभी तीन दिन से देख रहा था ना, कभी धूप निकल रहा है कभी बारिश गिर रहा है, कभी धूप निकल रहा है कभी बारिश गिर रहा है। अभी देखो रोड में ना कितना सारा पानी बह गया, मतलब कल रात है ना तगड़ा बारिश गिर रहा कल रात। और ये जो खारदुंगला साइड है ना, खारदुंगला साइड अभी फिलहाल के लिए ब्लॉक हो रखा, खारदुंगला अभी के लिए बाइकर्स के लिए ब्लॉक है, क्योंकि बर्फ गिर रहे है उधर खारदुंगला में ना, बर्फ गिरा हुआ है, इसलिए फिलहाल के लिए बाइकर्स के लिए ब्लॉक है। अभी ये जो फोर व्हीलर्स के लिए ना, फोर व्हीलर्स के तो खुला है, क्योंकि उसके पास तो 4x4 है ही है ना। बाइकर्स के लिए क्या है, बाइक स्लिप होता ना इसके लिए चांसेस है। मौसम पूरा चेंज हो रखा है भाई, देख लो धूप तो सुबह से निकला ही नहीं धूप। अभी हम यहाँ से चौलम सर पहुँचने वाला है, सुनने में आगे छांगदा नोमैड वैली है ना, छांगदा हांगले साइड में ना पेट्रोल पंप नहीं है बोल रहा है। और उधर में ब्लैक में तो मिलता है बोला, पेट्रोल ब्लैक में मिलता है, लेकिन वो क्या है पानी मिला हुआ है तो लेके फायदा नहीं, ऊपर से भी महंगा है। सुनने में आया कि 150 लीटर का 150 इतना बोल रहा था ब्लैक में है वो भी। पेट्रोल लेके फायदा क्या, आप इसमें डालोगे तो इंजन पूरा सीज होगा है ना, एक ही नहीं। इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ से चौलम सर से 5 लीटर का एक जर्किन ले लेंगे एक्स्ट्रा, उसमें तेल भर देंगे। आगे उपची बोलने वाले एक जगह है, वहाँ से मैं पेट्रोल भर दूंगा, अभी टैंकी फुल करूँगा, दोनों 5-5 लीटर का जर्किन ले लूँगा, पूरा फुल कर दूंगा। आगे का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं पेट्रोल पम्प है कि नहीं है, अभी कोई बोल रहा है लेकिन है तो है लेकिन कभी खुलता नहीं है बोला है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज है ना, इसलिए यहीं से भी पेट्रोल लेके चलता हूँ यार। उपशे से भर गए ना, कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि ना पेट्रोल ख़त्म तो कोई फ़ायदा नहीं है।
अभी करू पहुंचने वाला है, करू 10 किलोमीटर करू। अभी जर्किन है ना, जर्किन लेना पड़ेगा कारू से, चौकलम सर में नहीं मिला जर्किन 5 लीटर का ना। चलो जी चलो, पेट्रोल पूरा भर दिया, टैंकी फुल कर दिया, दोनों 5-5 लीटर 10 लीटर पूरा फुल। टोटल कितना 5-5 10 और टैंकी के अंदर 13, तो मतलब 23 लीटर है बस। अभी 23 लीटर है ना, 23 लीटर अभी ये सब हांगले जाना है, उमिंगला जाना है, धेमचौक जाना है, सोमोरेरी जाना है, फिर इसके बाद मनाली जाना है। अभी सब कुछ ये है बस, 23 लीटर बस इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है चलो भाई, अभी उपशी निकलता हूँ, उपशी में ब्रेकफास्ट करता हूँ। वैसे कितना भाड़ा बचने वाला है, उपशी में करता हूँ ब्रेकफास्ट। दोनों बंदा तो निकल गया आगे। लो जी लो, अभी उपशी पहुँच गया, उपशी पहुँच भी गया, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में खा लिया, थुकबा भी पी लिया है ना, थुकबा भी पी लिया आराम से। अभी थोड़ा रेस्ट किया, अभी थोड़ा यहाँ भाई यहाँ से निकलता हूँ उपशी की। ठीक है, वैसे टाइम हो गया 12 बज गया। अभी यहाँ से अभी हमको जाना है हांगले, अभी हांगले 201 किलोमीटर। पहले की तरह आपको वही लोकेशन दिखाता हूँ, हम लोग पहुँचे उपशी। ठीक है आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जाएगा तो ले, अभी यहाँ से है ना उपशी में दो रोड है, ये वाला जाएगा तो छांगदांग पहुँचेगा जो हम लोग जा रहे हैं हांगले। ठीक है अभी हमको जाना है हांगले, हांगले है 201 किलोमीटर। अभी सबसे पहले यहाँ से पहुँचेगा तो छुमुथांग पहुँचेगा, छुमुथांग 88 किलोमीटर। इसके बाद पहुँचेगा न्योमा, और इसके बाद पहुँचेगा लोमा, लोमा के बाद पहुँचेगा हांगले। ठीक है, लेकिन ये जो बनाना था ना सिक्वेंस वाइज ये नहीं बनाया है। ठीक है, ये है पहले की तरह आपने ब्रेकफास्ट और लंच खा लिया, ये भी खा लिया हमने। चलो यहाँ से निकलता हूँ उपशी, ये क्या बोलते हांगले की ओर, यहाँ से ये वाला जाएगा रूट, ये रूट जाएगा मनाली। ठीक है, मनाली जो इससे पहले हम लोग जा चुका है। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला रूट होगा, नया वाला रूट। अभी यहाँ से मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आगे नीचे एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से आपको एंट्री करना पड़ेगा और आपसे वो पूछा जाएगा कि आपके पास परमिट है कि नहीं है, क्योंकि परमिट लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप छांगदांग में जाओ या नुपरा साइड में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको पास लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो हमने तो बोला तो हम लोग यही के लोकल का है, तो हमने ऐसे झूठ मूठ बोल के ना उसको हमने नहीं दिखाया। वैसे पास के लिए आपको कितना 1500 या कुछ समथिंग देना पड़ता है। ठीक है, वो भी इसका भी टाइमिंग होता है, टाइम मतलब डेट लिमिट होता है, तकरीबन एक हफ्ते का शायद वही है। ठीक है, अभी यहाँ पे खाना वाला खा लिया, तेल भी डाल दिया, तेल ये वाला जर्किन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, 5 लीटर मैंने भर के डाल दिया, और इसमें 5 लीटर भर के, टैंकी तो बिल्कुल 13 लीटर फुल है, अभी सब कुछ फुल है। अभी देखते हैं अभी पेट्रोल, वैसे तो यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है ना, पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन वो बोल रहा कि पानी नहीं डाला है, लेकिन हमको तो रिस्की है भाई, है ना। यहीं से निकलता हूँ अभी। ठीक है, उपशे से निकल गया, अपना मंजिल की ओर निकलते हैं। फिर दिखाई दे रहा है आगे बर्फ़ गिर रहा है, आगे बर्फ़ गिर रहा है, मौसम चेंज हो गया, अभी बहुत ठंडा लग रहा है यार, मेरे ख्याल से काफ़ी ठंडा लग रहा है मेरा वो। लेकिन राइड करने में मजा ही कुछ और है। अभी है ना हांगले का रोड ऐसा ही है, कोई ऑफ रोड नहीं है, रोड पूरा मक्खन की तरह है हांगले तक। अभी यहाँ से उपशी से हांगले 201 किलोमीटर है, मान के चलो 200 किलोमीटर है, अभी 200 किलोमीटर आपको बिल्कुल मक्खन की तरह रोड मिलेगा। अभी वो वाला रोड हो गया, ये मनाली रोड है अभी। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the
लिखे गांव चलो ये छोटा सा गांव था, ये जगह नाम है केरी, ठीक है, थोड़ा रेस्ट किया। केरी है ना, केरी के बारे में जिसको पता है उनको सब कुछ पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है केरी गांव, यहाँ पे हेलीपैड भी है, अभी तो जियो टावर भी आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ से छुमोथांग जाना है, छुमोथांग गिर रहा है यार। दिखाई दे रहा है वो माहे गोम्बा है, माहे गोम्बा वो ये बोले कर्मापका है ना, कर्मापका गोम्बा है, कर्मापका। अभी न्योमा पहुंचने वाला है, न्योमा 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर न्योमा, माहे गोम्बा। जन्नत आपको मिलेगा भी नहीं, जन्नत।
wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. Like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning. I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. The weekend, we can do nothing, do nothing at all. So what, if you're stupid, then you know it's nothing wrong. क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट शानदार व्यू है यार। खंडे तो सीन खंडे कितने हो दो? नंबर दो। क्रिकेट खेल रहा है यार, वोल हाईस पे क्रिकेट खेल रहा है भाई। आगे क्रिकेट चल रहा है कि पता नहीं कौन सा टीम है, समझ में नहीं आया। शायद लोकल वाला होगा, शायद लोकल। पेट्रोल पंप लाइन खोजी थी। बाइक कैसे शुरू हुआ? मारे खोजे पेट्रोल पंप दूर ला रहा, पेट्रोल लूए मर दा सामान दे जाऊँ लर। शानदार शानदार जबरदस्त। अभी है ना 5 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक किया। लोकेशन इतना जबरदस्त लोकेशन है भाई, कमाल यार। कसम से तिब्बत सेम टू सेम है, लेकिन हम तिब्बत में नहीं है। लेकिन अब जो मैं लोकेशन दिखाऊंगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको कोई ऐसा फर्क नज़र नहीं आएगा। और मेरे पीछे, मेरे आगे सामने ना वोल हाइस में ना क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है भाई। लेकिन कौन सा टीम है मेरे को पता नहीं, लेकिन ज़बरदस्त चल रहा है। और जो इन लोगों ने सेटअप किया था ना, ज़बरदस्त है भाई, कमाल का। अभी यहाँ ना धूप, ज़बरदस्त धूप निकल रहा है। जब हम लोग उधर से आए थे ना उपशी से भाई, उपशी से लेकर चूमो थांग था ना, बिल्कुल यार बारिश गिर रहा था और रोड पूरा गिल्ला था, बारिश गिर रहा। विंड ये रेन जैकेट पहना। अभी यहाँ आ गया ना, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, गर्मी स्टार्ट हो गया भाई, क्या ज़बरदस्त है भाई। अभी आपको दिखाऊंगा ना, क्योंकि हम लोग मजबूर किया था ना, ये वाला सीन कैप्चर करने के लिए मजबूर हो गया था, तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा, पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है। और बीच में चल रहे इंडस रिवर जो टिबेटन में बोलता है सिंगे चांगबो, वो तिब्बत से आता है, ठीक है। बीच में चल रहे रिवर
और दोनों तरफ में ना हरा भरा वो है ग्रास लैंड है, और इसके बीच में हाईवे, क्या जबरदस्त हाईवे है यार, कसम से यार, ऐसा हाईवे चला गया ना नींद आ रहा था, थोड़ा सा नींद आ रहा है, लेकिन स्पीड है ना 80 से 100 की स्पीड पे चल रहा है रफ्तार से, क्या जबरदस्त व्यू है, देख लो भाई कमाल है यार। अभी उधर उस साइड में ना एक रोड बन रहा है, पता नहीं कहाँ से निकल रहे वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रोड बन रहा है अभी, दिखाई दे रहा है पीछे टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, वो भी वर्ल्ड हाइट पे चल रहा है। अभी यहाँ का कितना होगा, शायद न्योमा का हाइट होगा, कितना होगा 13-14 समथिंग में हाइट ऊपर होगा, क्रिकेट खेल रहा है भाई, यहाँ का शायद लोकल होगा। आपको है ना जूम करके दिखाऊंगा ठीक है आईफोन से, क्योंकि मेरा गोप्रो से जूम खींच नहीं रहा ना, आपको जूम खींच के दिखाऊंगा। पूरा झंडा झंडा लगा के भाई, तंबू तंबू लगा के, कमेंटेटर सब कुछ है अवेलेबल। पता नहीं कौन कौन टीम है, टीम कौन सा है मेरे को पता नहीं, लेकिन लोकल वाला मजा ले रहा भाई यहाँ, पूरा झंडा झंडा लगा के। और यहाँ का व्यू देख लो भाई, जबरदस्त व्यू है भाई, कमाल का व्यू है यार, कसम से अलग लेवल। अभी इसके ऊपर भी शायद कितना है ना, क्या बोलते हैं, पैनोरामिक व्यू जबरदस्त आएगा देखना, और लैंडस्केप, हाँ लैंडस्केप है ना जबरदस्त आएगा, आनंद। अभी यहाँ से लोमा कितना है आपको दिखाऊंगा, लोमा 17 किलोमीटर से, लोमा 17 किलोमीटर से, और लोमा से आगे हमको जाना है हांगले। अभी लोमा से दो रूट अलग हो जाएगा, एक जाएगा धेमचोक साउथ नदी से, और दूसरा रूट जाएगा हांगले, तो हमको हांगले पकड़ना है ठीक है। कैसा रहा रोड, कैसा है भाई, जबरदस्त मक्खन है ना मक्खन, आप इमेजिन कर लो आप कहाँ पहुँच गए, तिब्बत में पहुँच गया, तिब्बत है ना, तिब्बत पहुँच गया यार, मैं तो रोज़ बोलता हूँ यार, जब भी मैं स्पीति वगैरह या जाता ना रोज बोलता हूँ तिब्बत में हम, है ना अपना देश भाई, रोड भी तो जबरदस्त है भाई। यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा शायद, एंट्री लोमा से है ना, लोमा से हमने एंट्री किया, यहाँ पे है ना पुलिस नहीं था, वो आईटीबीपी का जवान था, एंट्री किया तीनों बाइक का, और यहाँ से अभी लोमा से निकल रहा हूँ हांगले की ओर ठीक है। ये है लोमा, मंदिर का दर्शन कर लेता है।
cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on plan. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the dead. लो जी लो हंगले पहुंच गया हंगले हंगले पहुंच गया Starlight day to night Nature's canvas unfolding so grand In this journey we're living unplanned City streets pulse with energy so bright Neon signs flashing in the depths of night Skyscrapers stand tall reaching for the sky As we pass by with dreams flying high No maps, no plans, just an open road Wherever it leads, how can we go? It's like a song, a memory to keep In this adventure, dreams run deep On this road, every scene's a delight From sunrise to starlight, day to night Nature's canvas unfolding so grand In this journey, we're living on plan लोमा यहाँ से 50 ये आ गया हंगले यहाँ से भी पहुँचेगा बूढ़ीला पहुँचेगा देव चौक यहीं से भी पहुँचेगा लेकिन हमको जाना था हंगले हंगले से फिर दूसरा रोड पकड़ना था